तो ये देखो प्यारे बच्चे, इस वाले क्वेश्चन को देखोगे तो ये इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि अपने पास एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल ऑफ प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, एंगल ऑफ प्रिज्म 30 डिग्री है। इफ़ वन ऑफ फेस रिफ्रैक्टिंग प्रिज्म मिरर इनवर्ड कर दिया गया, सिल्वरिंग कोट कर दिया गया, ए बीम ऑफ मोनो इंटर द प्रिज्म फ्रॉम वन रीट्रेस, अपने पाथ को रीट्रेस करती है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द प्रिज्म कितने डिग्री पे इंसिडेंट हुई थी, वो वाली चीज़ हमें निकालनी है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो। एक अपने पास प्रिज्म है और इस प्रिज्म में अगर देखा जाए तो एक साइड जो है वो मिरर इनवर्ड कर देता हूँ मैं, ये वाला प्लेन मिरर बना दिया प्रिज्म का, कोट कर दिया तो मिरर हो गया। अब ये जो एंगल ऑफ प्रिज्म है दिस इज़ ऑलरेडी हियर गिवेन 30 डिग्री, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है वो यहाँ से √2 यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये कह रहा है कि एक रे ऐसे इंटर करती है और वो रीट्रेस करती है, तो इस पॉइंट पे चलो मान लो एक रे मैंने इंसिडेंट करा दिया, दिस इज़ द इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे तो इस पॉइंट पे नॉर्मल ऐसे आएगा, दिस इज़ द नॉर्मल ऑन दिस पॉइंट एंड फॉर दिस सरफेस, इस सरफेस के लिए नॉर्मल ही है, तो इसको चले जाना चाहिए था ऐसे, पर ये ऐसे नहीं जाएगी, इट विल गो टुआर्ड द नॉर्मल, और ये यहाँ पर अगर 90 डिग्री पर पड़ेगी तभी जाके रीट्रेस वापस आएगी, समझे, अगर 90 डिग्री पर पड़ेगी तभी उधर से वापस आएगी, तो क्योंकि रीट्रेस करेगा क्वेश्चन का कंडीशन फुलफिल होगा, जैसे गई थी वैसे वापस आ गई तो रीट्रेसिंग होगा। तो अगर ये रीट्रेसिंग करती है अपने आप को, तो ये कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, नहीं एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट का, ये वाली एंगल आई की हमें कैलकुलेशन करनी है, तो ये नॉर्मल के साथ ये एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है जो कि हमें पता नहीं है, तो हम एक्चुअली निकाल लेते हैं ये एंगल कितना है, 30 है और ये अपना 90 है, तो ये एंगल कितना आ गया, ये एंगल आ गया, हाँ ये एंगल आ गया 60 डिग्री, ठीक है ना, क्योंकि इस छोटे से ट्राइंगल में आ जाओ, इस छोटे सी ट्राइंगल में, बात समझ में आ रहा है, ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल में आ जाओ, तो इस ट्राइंगल में अगर तुम देखोगे तो अब फाइनली अगर तुम यहाँ से तुम देखोगे तो अगर ये पूरा एंगल 90 है, उसमें से ये 60 है, तो ये कितना होगा, 30 होगा, क्योंकि ये वाली लाइन जो है दिस लाइन नॉर्मल है, ठीक है, ये पूरी लाइन नॉर्मल है, तो अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर भी आ गया 30 डिग्री। तो अगर तुम देखोगे यहाँ से पॉइंट जो पी है, पी पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगा दो, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, म्यू साइन थीटा का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट होता है, तो पहले मैं प्रिज्म में लगाता हूँ, तो प्रिज्म में √μ2 और साइन आर की वैल्यू 30 डिग्री एंगल, और इधर प्रिज्म से बाहर लगाऊँ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और यहाँ से साइन i एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो यहाँ से √2 साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो यहाँ से साइन i मुझे मिल जाएगा। इसको रेशनलाइज करोगे, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से साइन i की जो वैल्यू मिल जाएगी वो 1/√2 मिल जाएगी, मतलब ये आ जाएगा साइन 45 डिग्री, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो i की वैल्यू है वो 45 डिग्री के इक्वल आ जाएगी। अगर i की वैल्यू यहाँ से 45 डिग्री आ जाएगी तो अपना जो बी ऑप्शन है वो यहाँ से सही हो जाता है, ठीक है ना। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, 2018 का क्वेश्चन था और ये बार बार पूछा गया है।